दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है गैर इलाका। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज सिप्पी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे पवन अरोड़ा। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो गैर इलाका एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिसमें हमें मासेस के मोस्ट पॉपुलर एक्शन हीरोज़ यानी धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ दिखाई देने वाले थे। और देखा जाए तो वैसे तो धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती ने इससे पहले भी बहुत सी फिल्मों में एक साथ काम किया है, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये पेयर इतना यूनिक नहीं। मगर मास ऑडियंस की डिमांड को अगर ध्यान में रखें तो सीनियर एक्टर्स में धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती का पेयर काफ़ी पोटेंशियल रखता है। और सिर्फ यही नहीं, इन दोनों के फैंस भी काफ़ी रिलेटेबल हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह की मास एक्शन मूवी के लिए धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की पेयरिंग काफ़ी मुनासिब दिखाई देती है। और देखा जाए तो ये बात है साल 1994 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी अनाउंसमेंट के बाद एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई और किसी अननोन रीज़न की वजह से बंद हो गई। और इस तरह से एक्शन जॉनर की बेस्ट मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी आते आते रह गई। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की ये गैर इलाका मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपरहिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती को पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।